उज़ुंगवा रेन फॉरेस्ट 34 वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बड़े से जंगल ने अब तक अपने सभी खजानों को रिवील नहीं किया है। ये तंजानिया का अकेला ऐसा पार्क है जिसमें 11 प्राइमेट स्पीशीज हैं और उनमें से 5 एंडेमिक हैं। इनमें से एक संजिमैंगेबे है। 1979 में यहाँ डिस्कवर हुआ ये बंदर पहाड़ों के घने जंगलों में रहता है और कई साल से ये दुनिया के 25 सबसे एंडेंजर्ड प्राइमेट्स की लिस्ट में शामिल है। रीसेंट सर्वेज में पता चला है कि टोटल पॉपुलेशन 1300 से भी कम है, जो दो पॉपुलेशंस में डिवाइडेड है। ये बंदर फॉरेस्ट फ्लोर और जंगल के लोअर लेवल्स पर खाना ढूंढते हैं और फ्रूट्स, नट्स और पत्ते खाते हैं। इनके ग्रुप्स में कई मेल्स और फीमेल्स के साथ बच्चे भी होते हैं। हर फैमिली ग्रुप में लगभग 20 मंकीज होते हैं। इनका फेस पिंक से ग्रे रंग तक का होता है और आईलिड के ऊपर का हिस्सा सफेद होता है। पैर और हाथ की स्किन डार्क ग्रे ब्राउन होती है। पिछले कुछ सालों से बायोलॉजिस्ट्स इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इन्हें लोगों की आदत पड़ गई है, अपने काम में लगे रहते हैं। अभी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जारी है और आने वाले सालों में पेड़ पौधों और एनिमल्स की स्पीशीज काफी बढ़ने वाली हैं। और कौन जाने कौन से न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल्स भी यहाँ के साफ सुथरे संजिमैंगेबे की तरह फेमस हो जाएंगे।